गुरुवार दोपहर शहर के मलिक का बगीचा में स्थित अवैध मदरसा और नमाज स्थल को तोड़ने के लिए नगर निगम के कर्मचारी और पुलिसकर्मी जा रहे थे। इस बीच अतिक्रमण हटाओ अभियान के एक घंटे बाद असामाजिक तत्वों की ओर से पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया गया। इस हिंसा में सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं आम लोग भी चोटिल हुए हैं। हालांकि हिंसा की इस घटना ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया है। भनबुलपुरा में अवैध धार्मिक स्थल तोड़ने पर तनाव की स्थिति हो सकती है। इसकी जानकारी तो प्रशासन से पहले से की थी, लेकिन इससे निपटने की तैयारी प्रशासनिक अधिकारियों ने ठीक तरीके से नहीं किया। डीएम वंदना ने कहा कि कोर्ट को आदेश पर ही अतिक्रमण को हटाया जा रहा था। पिछले 15 दिन से अभियान चलाया जा रहा है। हिंसा में कुछ लोगों की मौत हो गई, 300 से ज्यादा लोग जख्मी है। प्रशासन ने दे दी है मौतों की पुष्टि की। भारी हिंसा के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया है। अवैध मदरसा और मस्जिद के नाम पर किए गए अतिक्रमण को तोड़ने पहुंची टीम पर पथराव के बाद उपद्रवियों ने जमकर आगजनी की। दर्जनों वाहनों को फूंक डाला, कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हाई लेवल मीटिंग की और उपद्रवियों से सख्ती से निपटने को कहा है। भनबुलपुरा के मलिका का बगीचा क्षेत्र की नजूर भूमि पर अतिक्रमण है। कोर्ट के आदेश पर पिछले दिनों नगर निगम की टीम ने अभियान शुरू किया था। इस दौरान क्षेत्र में बने भवनों को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण हटाने के बाद मदरसा और नमाज स्थल के भी नजूर भूमि में होने पर निगम ने दोनों को तोड़ने के लिए कार्यवाही शुरू की थी। मदरसा व नमाज स्थल को सील कर दिया था। इस दौरान क्षेत्र में तनाव फैल गया। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव कर दिया गया। पुलिस ने लाठी चार्ज करके भीड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। एक दर्जन के अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने थाने को भी फूंक दिया। हल्द्वानी में तनावपूर्ण माहौल के बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से वर्तमान में आयोजित विभिन्न परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। हल्द्वानी में हिंसा के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ हालत की समीक्षा की। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हल्द्वानी के भनबुलापुरा में अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस और प्रशासन के अफसरों पर हमले की घटना को गंभीरता से लिया है। उन्होंने अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।